इच्छाओं का घर है। आगे चलते हैं लाभ भाग के ऊपर, ग्यारहवें भाग आमदनी का घर है, इच्छाओं का घर है। शुभ राहु ग्यारहवें भाव में आ जाए भाई, तो जाते जाते जातक की उम्र बढ़ती जाती है, जाते जाते जातक की आमदनी बढ़ती जाती है। राहु का प्रिय भाव आ गया ग्यारहवां भाव। जातक की जो बुद्धि होती है बहुत तीक्ष्ण होती है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत बुद्धिमान होता है। आसपास के लोग जातक की सलाह से सभी कार्य करते हैं, और जो काम जातक की सलाह से किया जाए उसमें कभी असफलता नहीं मिलती। कई केसेस में इस तरह देखा गया कि ग्यारहवें भाव में राहु हो तो जातक किंग मेकर होता है, यानी जिस पर जातक की कृपा दृष्टि हो जाए वो राजा बन जाता है, पीछे रहकर दूसरों को आगे उठाने वाला होता है, जिसके कारण समाज में बहुत बड़ा रुतबा होता है। और इनकी योजनाएं इस तरह की होती हैं कि शत्रु समझ ही नहीं पाता, इसलिए जिसको भी सलाह देंगे और वो इनकी सलाह पर अमल करेगा जीवन में सफल होगा। जातक की संतान भी सुंदर होती है, और राहु शुभ हो तो संतान का सुख अच्छा रहता है। मन में थोड़ी चंचलता रहती है, उस पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। स्वाभिमानी होता है जातक, तर्क भी तर्क बहुत अच्छे ढंग से करता है। धन का सुख, वाहन का सुख, सभी तरह के सुख होते हैं। अगर टांग पर, लग पर तिल का निशान हो, जन्म से ही कोई निशान हो, या चोट का निशान हो, तो भाई राहु बहुत सुफल देने वाला हो जाता है। एक बार बचा है बारमा, उस पर भी चर्चा करते हैं जल्दी।